आप सबका स्वागत है अल्टीमेट ढकाई में। तो माफ़ करना जरा मैंने लेट बनाया मांगा, पहली बार मांगा बना रहा था इस वजह से जरा थोड़ा टाइम लगा। तो ये मांगा को देखना, ये मांगा जो है ड्रैगन बॉल हीरोज़ के ऊपर है। ये जो हीरोज़ है ना पूरी तरह बहुत ही गेम वेम में बहुत अच्छा है और नेट जो इंटरनेट पर बहुत फेमस मांगा जो है नेट पर बहुत फेमस है। तो ये मांगा को पूरी तरह देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो अपने घर से स्कूल जा रहा रहता है, फिर बाद में एक गेम की दुकान पे चले जाता है और फिर बाद में सौरा उससे पूछता है, सौरा जो एक नेविगेटर रहता है, एक गाइड का काम करता है, उसे पूछता है कि आज क्या तुम रेडी हो क्या नहीं आज की लड़ाई के लिए। बीट कहता है हाँ आज तो हो भी जाए, आज फ्रीजा हो या सेलो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सौरा बोलता है जरा आराम से बेटे, आज का अपहरण बहुत ही अलग है। फिर बीट गेम के अंदर चले जाता है और हैरान हो जाता है कि कहता है कि ये क्या बॉस लेवल है, क्या बॉस लेवल ऐसा होता है। से एक मॉन्स्टर आ जाता है, बीट कहता है कि ये कौन है। तो सौरा उसे बोलता है कि सच में तुम इसे नहीं जानते। तो सौरा बोलता है ये बेबी और जारिम्बा का फ्यूजन है। तो सौरा फिर बीट जो है हैरान हो जाता है, सौरा को कहता है कि क्या तुम सच में डर गए। फिर बाद में गोजीटा उसके ऊपर हाथ रखता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और बीट को रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे साथ तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़ है। तो फिर बाद में वो बोलता है चलो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपनी फ़ाइट की। और फिर उन लोग लड़ाई करने चले जाते हैं और बैटल होता है उन लोग का। बाद में मिशन फाइनली स्टार्ट, बीट और बेबी की बहुत अच्छी लड़ाई चलती रहती है। तो बीट बोलता है बेबी को तुम बहुत स्ट्रांग हो। सौरा उधर से पूछता है कि तुम अपने कार्ड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, अपने कार्ड से अपने दोस्तों को बुलाओ। तो बीट बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर बाद में उसके सारे कोकू वेजिटा ट्रंक्स सब आ जाते हैं। फिर बाद में सौरा उसे वहाँ से एक कार्ड देता है, फिर बोलता है कि जल्दी से ये कार्ड का इस्तेमाल करो तुम्हारी ताकत बढ़ाओ। फिर कोका वेजिटा ट्रंक्स और बाद में सब चले जाते हैं। और फिर बीट इसी एबिलिटी यूज़ करता है तो बाद में एक बड़ा सा रोबोट निकलता है वो एबिलिटी कार्ड से। और वो रोबोट एक अपना अटैक देता है जो बोलता है क्रीम एंड स्क्रीम, और वो अटैक बेबी के ऊपर यूज़ करता है। फिर बीट को लगता है कि वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको ज़्यादा कुछ खरोच भी नहीं आती। फिर बाद में बेबी बन जाता है एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर बोलता है बेबी कि तुम अब इतनी जल्दी खुश मत हो क्योंकि अब तो मुझे ये शुरुआत हुई है। फिर बाद में बेबी और बाकी उसके सारे दोस्त उसको देख के डर जाते हैं क्योंकि वो अटैक भी उसके सामने कुछ नहीं रहता। फिर उसके बाद टू बी कंटिन्यूड। फिर बाद में बेबी वो अटैक करता है जिसका लोग दोनों को बाकी सबको एहसास नहीं था, वो था फाइनल फ्लैश। और बेबी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता सुपर बेबी। फिर उसके बाद बेबी जो उसको अटैक करता है, फिर बीट पूरी तरह आउट होता है, KO हो जाता है। फिर बाद में होता है कि बीट मालूम है बहुत ही दुखी हो जाता है। बीट बोलता है कि मैं ऐसे कैसे हंस के हार गया। फिर बीट अपने जो रहता है अपने कार्ड से बोलता है कि सॉरी गाइस मुझे माफ़ कर देना मैं ऐसा हार गया। तो फिर उसके बाद सौरा जो रहता है उसको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत तो होते ही रहती है। फिर बाद में कहाँ से एक लड़की आती है, क्या बोलती है कि यही वो गाय है जिसको सबसे ताकतवर बनना है। सौरा बोलता है हाँ। तो फिर वहाँ से बोलती है वो लड़की मैं तो इसके आराम से हरा दूंगी। स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोइन जो बीट रहता है स्कूल में जाता है, दोस्त लोग को बोलता है यार मैं बेबी से हार गया। तो वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि तुम बेबी के उसके ऊपर भी तो एक अल्ट्रा पार्ट रहता है सुपर बेबी 2। तो उसके दोस्त लोग हैरान हो जाते हैं। बीट बोलता है तुम्हें हराओ तो वो बेबी को हराओ कैसे। तो बाद में अचानक से नोट दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि मुझे बीट से मिलना है। फिर बाद में बीट और नोट एक दूसरे एक साथ टेरेस पे जाते हैं और नोट उसे एक लेटर देती है, तो बीट उसे लव लेटर समझ लेता है। तो अचानक से जब नोट उसको देती है लेटर, तो बीट उसे लेटर खोलता है तो उसमें चैलेंज लिखे हुआ रहता है। तो उस टाइम नोट पूछती है कि उसे कि अब तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई में मालूम पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर बीट बोलता है क्या तुम सच्ची में खेलती हो ड्रैगन बॉल हीरोज़। तो बोलती है संडे को एक मैच है और तुम आ जाना। और वहाँ पे सौरा जोर जोर से हंसते रहता है, क्या बोलता है कि तुम उसे सच में लव लेटर समझ पड़े। तो बीट बोलता है जिसमें ज़्यादा भी हंसने की बात नहीं है। तो सौरा उससे बोलता है ये बहुत ही अच्छी पहले नेविगेटर हुआ करती थी और इसने बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और फिर बाद में वो थर्ड आई पूरे ड्रैगन बॉल हीरोज़ में। तो बीट बोलता है कि थर्ड आई पूरी कंट्री लेवल में। तो फिर उसके बताता है कि तुम्हें सच में मैं तो भी लड़ा उससे, फिर मैं भी बहुत बार हारा हूँ। तो बीट बोलता है कि क्यों ना तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूँ। तो सौरा उसे बोलता है मैं ट्रेनिंग देता हूँ। फिर बाद में बीट और सौरा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, उसमें अलग से वेव निकालते हैं पिकोलो के साथ, उसको फ्लाइंग ट्रेनिंग देता है और बाद में बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स बताता है जो बीट को नहीं मालूम रहती, जो जैसे सैयन सागा में होता है।
फिर बाद में पीट जो है अपना एक अबिलिटी अचानक से इतना उड़ता है कि मैंने तुम्हें इतना हराया हूँ, तो फिर बाद में सौरव के साथ एक कार्ड मिलता है, फिर अचानक से पीट और उस वो दिन आ जाता है, पीट और नोट की फाइट होती है। फिर बाद में पीट को बोलता है क्या तुम बैटल के लिए तैयार हो, फिर बाद में नोट को बोलता है कि सच में तुम भी बैटल के लिए तैयार हो, तो फिर हो जाए। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 फिर उन लोग बैटल स्टार्ट करते हैं, हो जाए शुरू। होप करता हूँ कि आपको मेरी मांगा ये पसंद आई होगी, तो इसके बाद में इसका अगला पार्ट 2 जल्दी निकाल दूंगा। तो आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाइए, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।